नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की रणनीति के बारे में, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको रीजनिंग की रणनीति बताऊंगा जो 4 और 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम ASI का प्रस्तावित है। उसमें आपको कैसे रीजनिंग को ट्रैकल करना है इन 15 दिनों में। आज आपसे 14 दिन बचे हैं सिर्फ। इन 14 दिनों में आपको रीजनिंग के किन किन टॉपिकों पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना है, किस पे कॉन्सेप्ट पढ़ना है और किस पर प्रैक्टिस करना है, कि वो ही आपके एग्ज़ाम में वही पैटर्न जो है उसी क्वेश्चन पे आपका पैटर्न मिल जाए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और उसे जैसे ही देखें तो आपको समझ में आ जाए कि ऐसे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। आज हम बात करेंगे जो UPSI है, ठीक है, UPSI है वो 12 नवंबर से जो इसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें जो पैटर्न आ रहा है ना उस पर डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है रीजनिंग का, खासकर क्योंकि रीजनिंग UPSI की बात करें चाहे UPASI की बात करें, तो मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन दिया गया है वो पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि SI के एग्ज़ाम में, क्योंकि एजेंसी एक है NSCIT, ठीक है, जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, जिस जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही पैटर्न आपका यहाँ भी फॉलो होगा, एकदम 100% ये श्योर है, ठीक है। जैसा पैटर्न और यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जैसा आपके सिलेबस में दिया था, तो यहाँ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन सिलेबस में कई टॉपिक हैं, अब इतने दिन में हम पूरे टॉपिक तो कवर कर नहीं सकते हैं, तो कुछ गिने चुने जहां से SI में बल्क में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम देख सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन हमारे 100% क्या हो, सही हो। तो सबसे मेन फोकस ये करना है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि वही पैटर्न होगा, हो सकता है कि कुछ बच्चों को सेम सेम क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि जो NSIT के क्वेश्चंस बैंक हैं उसी क्वेश्चंस बैंक से ASI के भी पेपर बनेंगे, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन बैंक से SI का पेपर बन रहा है उसी से आपका ASI का भी बनेगा, ये चांसेस हैं, बस उसको मिक्स करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहने वाला है, पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। इसीलिए आपका जैसे ही SI एग्जाम फिनिश होगा आपका ASI का डेट रख दिया गया, ताकि SI का रिस्पॉन्स शीट जो होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स सीट आपको ना मिल पाए। रिस्पॉन्स सीट मिल जाता तो मैक्सिमम बच्चों को पता चल जाता कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अभी मैथ और रीजनिंग के किसी को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, एग्जाम हॉल से आता है वो एक अंदाजा लगा बताता है कि एनालॉजी से इतने थे, सिलोगिज्म के इतने थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं बता पाता है कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। वो बहुत मुश्किल टास्क है, किसी से नहीं होता है। इसीलिए रिस्पॉन्स सीट भी आपकी जब ASI हो जाएगा तभी दोनों का एक साथ ही जारी होगा, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि सिलेबस क्या है हमारा और उस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है, और ASI के जो क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन हैं उस पर बात करेंगे, किसके तर्ज पर, ASI के तर्ज पर, सॉरी SI के तर्ज पर। SI को जो एग्जाम हो रहा था उस पे मैंने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है कि किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ASI के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ASI में अगर देख लिया जाए तो ओवरऑल 60 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपके रीजनिंग आएगा, यही आपका उसमें भी था, मैथ्स आपके SI में भी ऐसे ही चल रहा है। 10-12 क्वेश्चन जो है आपके क्या आ रहे हैं, मैथ वाले पोर्शन में 10-12 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं, रीजनिंग के आ रहे हैं। वैसे ही हम कह रहे हैं कि 55 से लेकर, ठीक है, 55 से लेकर 60, ठीक, ये आपका रेंज हो सकता है रीजनिंग का, ओवरऑल क्वेश्चंस का, रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन दोनों मिला लिया जाए। तो सिलेबस देख लो, जो ये मैथ में सेकेंड पार्ट है, ख पार्ट जो है उसमें जो सिलेबस दिया है, यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम दिया है, सिंबल रिलेशन दिया है, परसेप्शन टेस्ट, ये सब नहीं पता, ये कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, शब्द रचना है, आ किससे रहा, देखो डाटा इंटरप्रिटेशन से, यहां से क्वेश्चन SI में बनाया जा रहा है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन, बहुत बल्क आ रहे हैं, समझ लो मैथ वाला जो पोर्शन है जिसमें रीजनिंग आ रहा है वो 6 क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। अब उसको चाहे कुछ लोग मैथ में काउंट कर रहे हैं, कुछ लोग रीजनिंग में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो 6 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो रीजनिंग के पार्ट से है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपका यहां पर धरा है और एकदम आसान पेपर आ रहा है, जैसा आप लोग एनालिसिस देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो वहां आपसे बताया, जब मैं भी बता रहा हूं कि बच्चों से जो मिला है हमें जानकारी, एकदम आसान आ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन आ रहा है, तो 6 क्वेश्चन ये एकदम आसान आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आपके कम ही आ रहे हैं,
एनोलॉजी और अल्फाबेट एनोलॉजी से यहां से क्वेश्चन भरमार आ रहा है, रीजनिंग वाले पोर्शन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो मैं क्वेश्चन पे बात करूंगा कि किस किस पे। ये हो गया डायरेक्शन सेंस हो गया और ये हो गया, इनमें से तीन आप मेन है, ठीक है, तीन आपका क्या हो गया मेन हो गया। उसके बाद से हम आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में। रीजनिंग वाले में जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका मानसिक अभिरुचि है, मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके बारे में रमन सर आपको बताएंगे कि किस पोर्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करना है, 10-12 क्वेश्चन इसके भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको तैयार रख करके जाना है। रीजनिंग वाले पोर्शन में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में रमन सर आपको जिक्र करेंगे। यहां पे हम लोग आईक्यू टेस्ट जो है उस पे आते हैं। देखो एनालॉजी से भरमार का क्वेश्चन है, सीरीज आ रही है आपका अल्फाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज, सीरीज में भी गलतियां ढूंढने के लिए है, रॉन्ग सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, किससे, रॉन्ग सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा सीरीज रॉन्ग है। ऑन अप्रोक्स 4 क्वेश्चन बोल सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, ठीक है, पूरा ओवरऑल मिला लिया जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन ये बहुत रोल रख रहा है, शुरुआत में हमें देखने को मिला 4 क्वेश्चन आ रहे थे, फिर ये बढ़कर 5 क्वेश्चन हो गया, जिसमें से कोडेड ब्लड रिलेशन, कौन सा कोडेड ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2 आपके जनरल पूछे जा रहे हैं, तो इसके मेथड जान लेना। मैंने पढ़ाया है ASI में, ठीक है, ASI के कोर्स में मैंने पढ़ाया कि कितने आसानी से इसको 2 क्वेश्चन को बहुत मिनटों में ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके ऐसे डायग्राम बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, इसमें से पूछता है बताओ कि क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, तो वैसे क्वेश्चन आपसे इसमें नंबरिंग दिया रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। ऑर्डर और रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ रहा है ऑर्डर रैंकिंग से, ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग इसको मत भूलना, 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी बन रहे हैं, कितने, 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, तो ये आपके ये फॉलो कर रहा है, तो इस वाले से इतने पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। डिसिमिलरिटी और क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है, ये जो स्पॉटिंग द डिसिमिलर है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इससे भरमार में क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और इस पे मेहनत नहीं करना, ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद है ना, उसके बेसिस पे कर लोगे, आपके GS के बेसिस पे आएगा, अल्फाबेट के पोजीशन के बेसिस पे आएगा, ये सब मैंने, आप बस टाइप देख लो कितने प्रकार के इसके क्वेश्चंस होते हैं, बस उस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है लास्ट टाइम में। और लास्ट जो रीजनिंग वाला पोर्शन, उसमें देखो मैंने बताया एनालॉजी तो आ ही रही है आपकी आ रही है, डिसीजन मेकिंग के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान दो ना, डिसीजन मेकिंग आ रहा, पहले SI में इनपुट आउटपुट आता था, वो नहीं आ रहा इस बार, ना ही डाटा सफिशियंसी पूछ रहा है, ये ध्यान रखो डाटा सफिशियंसी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो डाटा सफिशियंसी पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बच्चे इससे परेशान होते थे, इनपुट आउटपुट से भी परेशान थे, कहीं इनपुट आउटपुट ना आ जाए हमारे में, तो ये भी पूछा नहीं जा रहा है SI में, अभी तक तो यही है, बाकी क्या होगा नहीं पता, लेकिन डिसीजन मेकिंग आ रहा है, ये बहुत आसान होता है, लंबा सा पैसेज होता है, उसे घबराना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद से मैं बताऊं, फिगर क्लासिफिकेशन से आ रहा, फिगर में मिरर इमेज आ रहा है, ठीक है, लेटर दे दिया जा रहा है, उसका मिरर इमेज आ रहा है, इम्बेडेड फिगर आ रहा है, क्या रहा है, इम्बेडेड फिगर की, कौन सा इसमें से फिगर इम्बेड है इस प्रकृति में, और कौन सा आ रहा है फिगर से, काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन आ रहे हैं, काउंटिंग फिगर के 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपकी काउंटिंग फिगर से आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए, ये सब आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से जो यहां पर देखो, ये हो गया रिलेशनशिप में, वही आपका आ जाएगा जजमेंट और ये विजुलाइजेशन, वो सब आपकी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो बाकी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन मान लो, ठीक है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट मान लो, आर्गुमेंट मान लो, तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन सब से मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, तो ये तो ऐसा है कि कितना भी पढ़ के जाओ तो कुछ पता नहीं क्या होगा वहां पर, ठीक है, बस आपको मैंने जो बेसिक रूल्स आपके बता रखे हैं क्लास में, उसको ध्यान रखना कि कॉन्क्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सरकार के फेवर में होना चाहिए, ठीक है, आपको स्टेटमेंट सुनने के बाद जो कॉन्क्लूजन निकले उसको कॉन्क्लूजन कहते हैं, तर्क क्या हो, जो तर्क होता है, एक सभी तर्क सही होते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या ध्यान होता है कि 100% मजबूत तर्क कौन सा है, उस पर आपको जाना होता है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब मैं बात करूं तो SI का जो पेपर हो रहा है 12 नवंबर से, तो उसको मैंने देखते हुए आपके सामने ये
एनालिसिस लेके आया हूं कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी उसी पर ज्यादा ध्यान देना। बाद में चल के देखा गया बल्क में कई जगह से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो मैंने ऑन अप्रोक्स एवरेज लेके चला हूं। कैलेंडर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो रीजनिंग के दो कैलेंडर से दो प्रश्न आ रहे हैं और आसान आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं देखो, इजी आ रहे हैं एकदम। तो अगर आपको कैलेंडर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसे कर सकते हो। अगर जिसके नहीं क्लियर हैं वो परीक्षा प्लस ऐप पे जाओ, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं रीजनिंग के, आप वहां से देख सकते हो। सिलोगिज्म से देखो 3 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन खाली सिलोगिज्म क्या है, जो आपके नए निगमम कहलाता है कि ऑल कॉइट इज डॉग, ऑल डॉग इज हॉर्स, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो डायग्राम से बनते हैं। मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इसमें भी घबराने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपका मैथ्स रिलेटेड एज का जो है वो आ रहा है, ठीक है। इनक्वालिटी एक नई चीज आ रही है, इस पर ध्यान देना, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ये 3 से 4 क्वेश्चन इनक्वालिटीज के आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा है इस बार, तो इनक्वालिटीज के 3-4 क्वेश्चन ये भी मैंने ASI के पेड कोर्स में पढ़ा रखा है, तो इसको अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन बनेगा। नंबर सीरीज ये तो एवरग्रीन है, हर बार आएगा ही आएगा। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन आपके टोटल 2 अल्फाबेट सीरीज से हो जाएंगे, तो टोटल 5 सीरीज से क्वेश्चन होंगे आपके नंबर सीरीज के 3, और उसमें भी रॉन्ग निकालने के लिए आएगा, कौन सा सीरीज रॉन्ग है ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट, कॉन्क्लूजन, आर्गुमेंट, ये 4 मैंने लिया है, मैंने आपको बताया 4 से 6 जाएगा, क्योंकि आप में 40 क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल देखें तो 60 के अप्रोक्स क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपके 4 से 6 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। किसी किसी शिफ्ट में ये 7-7 क्वेश्चन तक पूछा गया है यहां से, ये ध्यान रखना। मिरर इमेज के 1 क्वेश्चन पूछा है, एक आपको मैंने बताया एम्बेडेड फिगर से पूछा है, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन पूछा है, कोडिंग डुकेडन के 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। ये बढ़ भी सकती है संख्या, मगर इसी पोर्शन से काउंटिंग फिगर 1 आ रहा है, एनालॉजी 3 से 4, क्लासिफिकेशन 3 से 4 आ रहा है, डाइस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ओपन डाइस आ रहा है, ओपन और क्लोज, एक एक क्वेश्चन, एक ओपन से एक क्लोज डाइस से क्वेश्चन बन रहा है। ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 2 कोडेड ब्लड रिलेशन आ रहा है, एकदम आसान है ये। रैंकिंग से 1 क्वेश्चन आ रहा है, डिसीजन मेकिंग के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल ये 40 का मैंने निकाला है, तो आपको लास्ट में सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करना है, मैं शॉर्ट में ये बता दूं तो डिसीजन मेकिंग, देखो ये बहुत टाइम नहीं लेगा, इसको बस आपको देखना है कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं और करना क्या होता है, बस स्टेटमेंट बड़ा होता है। आपको ये देखना है कोई इंटरव्यू देने जाता है तो उसका मानदंड क्या होते हैं, उस मानदंड को बंदा फॉलो कर रहा है कि नहीं, फॉलो कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा, नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं सिलेक्शन होगा, हो सकता है किसी का रेफरेंस लेके आया हो, तो उस बेसिस पर चीजें चलती हैं, एकदम जनरल चीज होती हैं। आप बस इसको 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, 3 घंटे में आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस पर ज्यादा प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है, एक ही जैसा क्वेश्चन बनता है, इसमें प्रैक्टिस वहां किया जाता है जहां टाइप बदल जाए, यहां एक ही टाइप के क्वेश्चन बनता है, तो ये 3 घंटे में आपके 3 मार्क्स मिल जाए, मतलब 3 क्वेश्चन 3 दुनी 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। डाइस में एक ही रूल लगता है, एकदम आसान सा होता है ये, आप मुश्किल से 1 घंटे का लेक्चर देख लो, आपका ये 2 नंबर हो जाएगा, 4 घंटे में ये कंप्लीट। काउंटिंग फीवर पर ज्यादा जोड़ मत दो, 1 क्वेश्चन है इसके मतलब नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग देख लो, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन है, इसमें जितने भी टाइप रिसेंट में पेपर में पूछे जाते हैं ना, उन पर देख लो, अल्फाबेट की पोजीशन मैक्सिमम तो यही होता है, एक्सचेंज होना, रिवर्स ऑर्डर में होना, ठीक है, जो मान लो ए है तो उसकी कोडिंग जेड से किया जाए, या आपका जेड है तो उसको कोडिंग ए से किया जाए, तो रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, हाफ हाफ का रिवर्स कर दिया जाए, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो सब आप पैटर्न देख लेना कोडिंग डिकोडिंग के। ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसको, इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ लेना, कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे, और इसके आसान कैसे लगाया जाता है ये भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है कि बाई ऑप्शन से ये आसानी से लग जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो इसमें टाइम ज्यादा जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप देख लेना कि इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है लगाने के। तो यहां से 2-3 और इस पर भी एक ही प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये बल्क पोर्शन है। ब्लड रिलेशन में सिर्फ कोडेड पढ़ना है, जनरल नहीं पढ़ना है, जनरल आपको आता है, इतनी आपका दिमाग काम करता है कि आप अपने रिश्तेदारों में अपना रिलेशन निकाल लेते हो तो वे भी क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ये इतना मैं जान रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। मेनली आपको जिसमें फोकस होना है वो है आपका डिसीजन मेकिंग, मतलब बस आपको इसको देखना है,
ठीक है, पढ़ने वाले काम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो कोडेड ब्लड रिलेशन में करना है और इनइक्वालिटी में करना है। किसमें? इनइक्वालिटी में, क्योंकि इसके तीन क्वेश्चन हैं, इसके तीन क्वेश्चन हैं, इसके तीन से चार क्वेश्चन हैं और कोडिंग डिकोडिंग के सभी एस्पेक्ट आपको करना है, चार क्वेश्चन इसके हैं। तो ये चैप्टर मेन है। डिस्टेंस डायरेक्शन के आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तभी भी हो जाएगा डिस्टेंस डायरेक्शन, दो क्वेश्चन। डाइस कॉन्सेप्ट पे आ रहा है तो इसका दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। कैलेंडर कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, ये दो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये एकदम आसान से होते हैं। जो मुश्किल से मैं बोलूं, ये दो घंटे का काम है, ये दो घंटे का काम है, इसको मैं कह दूं एक से दो दिन में आप तैयार कर सकते हो, इसको एक से दो दिन में कर सकते हो। ब्लड रिलेशन आपका ये वाला तीन घंटे में आप तैयार कर सकते हो, ऐसा मैं इसको बोल सकता हूं। इतने में आप मैक्सिमम कर सकते हो। बाकी एनालॉजी की बात करें, ठीक है, एनालॉजी की बात करें और क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी बहुत आसान से आते हैं। जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो आधा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनालॉजी का आप बस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। ये जान लो कि एनालॉजी, नंबर एनालॉजी देख लो, फिर आपके जीएस बेस्ड एनालॉजी देख लो, क्लासिफिकेशन पे देख लो, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके यहां से मिलेंगे। ये बल्क चंक है, ठीक है, ये बल्क चंक है, 10 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। और ऐसे ही आपका स्टेटमेंट वाले, हाँ एक बात मैं कहूंगा, जिनको सिलोगिज्म नहीं आता है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 4 से 5 क्वेश्चन अभी रिसेंट में बनने लगे हैं इससे, 4 से 5 क्वेश्चन, तो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। ये आपको एक से दो दिन इसमें प्रैक्टिस देना पड़ेगा, एक से दो दिन प्रैक्टिस देना पड़ेगा इसमें। लेकिन स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले जितने भी होते हैं, चाहे कंक्लूजन वाले होते हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चंस पढ़ो मैक्सिमम, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, टेस्ट दे रहे हो तो रीजनिंग तो आपकी सबसे अच्छी टेस्ट देने से होगी। तो लास्ट टाइम में जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, अब मैं अभी भी बोलूंगा, जो लोग टेस्ट से नहीं जुड़े हैं भैया, ₹149 में आपको 40 सेक्शनल टेस्ट, जिसमें आपको कम से कम 5 से 6 खाली सेक्शन रीजनिंग के टेस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद से इसी में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। तो इतने में आपको इतनी प्रैक्टिस मिल रही है, तो इतना लास्ट टाइम में ना करो, क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट बनाता है। तो आप अगर एग्जाम का माहौल अपने साथ जी के जाओगे तभी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, इतना जान लेना। तो इस पे क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और ये देखना है किस तर्क पे वो क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान आ रहे हैं। रीजनिंग में आप, मेरा दावा है, इन पोर्शनों को आप अच्छे से कर लेते हैं, सिलेबस पे मत जाना। ये जो जो मैंने आपको बताया है, जो SI में आ रहा है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो जितने लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो मैं बाद में लास्ट में बोलूं, सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये आपके 6 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिगर वाले आपके मिरर आ रहा है, मैंने एकदम कॉन्सेप्ट बताया उसको कैसे करना है, उस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हुआ, मानसिक अभिरुचि, आप लोग बोल रहे थे रमन सर आपको बताएंगे उसमें क्या क्या पढ़ लेना है, उसमें भी ऐसा होता है कि आप कुछ भी ना पढ़ के जाओ, अपना सेंस लगाओ। तो मानसिक अभिरुचि के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5-6 तो सही करके ही आओगे, वो रमन सर आपको डिटेल में बताएंगे। मैथ की स्ट्रेटेजी आपकी आलोक सर बताएंगे। तो इसी क्रम में ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप सभी लोग, जितने लोग नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन्हें भी लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ के जाना है और कहाँ से प्रैक्टिस करना है, वो सब आपको पता चल जाए। अभी हमने 2 टेस्ट कराए हैं जो रिसेंट आपके SI के पैटर्न पर डिपेंड है। सभी लोग उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा और अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।